और मैं कई बार सोचती हूं कि लोग क्यों क्यों इतना घमंड करते हैं और किस पर करते हैं। मुझे तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती जिस पर घमंड किया जा सके। कोई एक वस्तु ऐसी बताओ जिस पर आप घमंड कर सकते हो। प्रभु का नूर जो देखे वही इंसान होता है, और जो भरता पेट है केवल वो तो हैवान होता है। जानता है कि मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। इस शरीर पर अभिमान करते हो तो कभी उन बुजुर्गों को देख लेना जिनकी कमर झुक गई है और जिनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं। कभी वो भी बड़े इतराते थे इस शरीर पर। यदि कभी अभिमान आए जवानी का तो बुढ़ापे को देख लेना। ये दुनिया खुली पड़ी है, आपका अभिमान थोड़े ही पल में चूर हो जाएगा। बल पर घमंड करते हो तो एक दिन के बुखार में पीले पड़ जाते हो। जरा सोचो उस समय बल कहां चला जाता है। लक्ष्मी पर अभिमान करते हो तो ये लक्ष्मी आज तक किसी की नहीं हुई भगवान विष्णु के सिवाय। आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलांबवत, और परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्वत। ये लक्ष्मी जब आती है तो कितने भी दरवाजे बंद कर लो फिर भी चली आती है, कहीं से भी बरस जाती है। नारिकेल फलांबवत, यहां महाराष्ट्र में तो नारियल के फल बहुत मिलते हैं, टटोल के भी देखो आप उनको। तो नारियल का फल कैसा होता है, एक गहरा सा जटाजूट, उसके ऊपर पत्थर किसी दीवार लगी हुई है और उसके भीतर भी किसी ने पानी डाल दिया। तो चिंतन करो, तुम कितने भी दरवाजे बंद करो, जब लक्ष्मी आती है तो दरवाजे बंद होने पर भी आ जाती है। इसलिए कहते हैं जब परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और अब छप्पर नहीं रहे तो छत फाड़ के भी दे देता है। जिस दिन घमंड अपने तू सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। उसके शिवाय जग में दाता न और कोई, और देने पे जब वो आए तो बेसुमार देगा। पर जिस दिन घमंड अपने तू सर से उतार देगा। परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्वत, यदि लक्ष्मी जाती है तो भी ऐसे समझ लो कि कैथ का फल, हाथी उसको साबुत निगल जाता है। कैथ का फल देखा होगा, हॉकी के गेंद के जैसा होता है, जब हाथी उसको निगलता है तो ऐसे ही निगल जाता है, और जब वो उसकी लींद के द्वारा निकलता है तो बिना टूटे बिना फूटे बिना चटके निकलता है। पर जब आप उसको तोड़कर देखोगे तो उसके पेट में भीतर ही भीतर उस फल का गूदा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही लक्ष्मी जब जाती है तो कहीं से भी निकल जाती है। इस पर अभिमान करने की जरूरत नहीं है, इस पर अहंकार मत करो, ये किसी की नहीं हुई। क्योंकि अच्छे अच्छे लोग बैठे रह जाते हैं, जब नोटबंदी हुई तो सब बैठे रह गए। ये जब जाती है तो ऐसे ही जाती है, किसी ने सोचा भी ना होगा। अकस्मात जब वो देता है तो भी छप्पर फाड़ के, और लेता है तो भी बिना बताए चुपचाप ले लेता है। और जो आने वाला और जाने वाला है, ऐसी वस्तु पर अभिमान क्या करना। आज है तो उसका सदुपयोग करो, और कल ना भी हो तो उसकी चिंता मत करो। सुखी वही रह सकता है जो उम्मीदें नहीं करता, केवल अपना कर्म करता है। और यदि कभी अपने बल पर अहंकार हो तो हरिओत प्रसाद उपाध्याय, जो हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। उन्होंने कहा है अपने आप को लेकर, स्वयं पर उन्होंने एक रचना की कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, एक दिन उड़ता हुआ, अचानक उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी, तब अक्ल ने यूं मेरी मुझे ताने दिए, ऐठ ता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका आंख में पड़ जाए तो कैसे हो जाते हैं, जरा सोचो। इस अस्थिर बल पर क्या अहंकार करना,
जब जिंदगी को असलियत में जीने लगोगे तो कोई वस्तु आपको अहंकारी नहीं बना सकती है।